do the dance? Yes. 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 But smile ke saath, okay? Smile. ज़्यादा मत करो सिग्नल लगेगा ज़्यादा मत करो सिग्नल लगेगा इसलिए ऐसे स्माइल के साथ इधर बहुत ही कम समय बचा हुआ है हम लोग के बीच में आने वाला है दबंग छू 13 अक्टूबर को क्या कुछ कहना चाहेंगे आप लोग किस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों को रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है लोगों को पहला गाना बहुत पसंद आया है आज ट्रेलर भी ट्रेंडिंग था सो आई थिंक ओवरऑल वी आर द राइट ट्रैक हमने जो मेहनत की है वो रंग ला रही है बाकी तो मेहनत की है हमने लेकिन ये जो डरन छू है वो लिखा है कंसेप्चुलाइज किया है और सोचा है इन्होंने भारत ने हमारे डायरेक्टर ने सो ही विल बी एबल टू डिलीवर थोड़ा फिल्म के बारे में कहानी के बारे में बता दूँ डरन छू जैसे नाम से पता चलता है उसमें डर है और एक छू है तो डर तो सबको पता है ये छू जो है ये छू मंत्र से आया है तो डर को कैसे छू मंतर करना है इसके बारे में कहानी है हम सबके जीवन में कोई ना कोई डर है हम किसी ना किसी चीज से डरे रहते हैं लाइफ में पाने के लिए कितनी जद्दोजहद करते हैं और ना पाने का जो डर है और जो है वो खो जाने का डर वो हमेशा बना रहता है तो पद पैसा प्रतिष्ठा बहुत सी प्रॉब्लम जॉब की प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम ये डर अगर दिमाग में रहता है तो हम प्रगति नहीं कर पाते और धीरे धीरे हमारी दुर्गति हो जाती है लेकिन अगर इस डर से हम परे चले जाएं, तो हम जो चाहते हैं धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाता है समस्याओं का सोल्यूशन हमारे आसपास ही होता है लेकिन वो डर हमसे करवा नहीं पाता काम तो उस डर से बाहर रहने के लिए अभ्यास करना पड़ता है तो उस अभ्यास की विधि जो है वो डरन छू है तो इन शॉर्ट जैसा हमेशा हम कहते हैं और हमारी फिल्म में है जो डर जो तुझको डराए उसे कर दे डरन छू जो दिल घबराए तो करने तो ये इस फिल्म की जो कहानी है वो आपने लिखी तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा भयानक हुआ होगा जिसकी वजह से आपने ये कहानी लिखी आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था हाँ शादियों के रिश्ते आ रहे थे मैं इसको देखा जो लोग शादी कर चुके हैं उनको देख के बड़ा भयभीत रहा लेकिन उस भय से निकलने के लिए मुझे ये फिल्म गाना भी हम पे लिखा ना जो तुझको डराए कर दे डरन छू जो मन घबराए कर दे डरन छू नहीं बट ऑन अ सीरियस नोट सबसे सीरियस बात तो यह है कि ये बिल्कुल ही सीरियस फिल्म नहीं है हालांकि टॉपिक बहुत गंभीर है सीरियस टॉपिक है बिकॉज हम लाइफ को ना बहुत लाइटली लेते हैं एंड आजकल स्पेशली इन टुडेज टाइम कोविड के बाद जो दौर से हम सारे गुजरे हैं बहुत लोगों ने अपनी हिम्मत हारी है बहुत लोगों ने लाइफ को वो वैल्यू नहीं दी है जो देनी चाहिए तो लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हम सब जानते हैं हमें बहुत बार हमारे पेरेंट्स ने बड़ों ने आसपास के लोगों ने दोस्तों ने कहा भी है कि ज़िंदगी बहुत महत्वपूर्ण है बट शायद वो बात हम उस गंभीर तरीके से समझ नहीं पाए हैं तो उसी बात को थोड़े से हल्के तरीके से हंसी मजाक के साथ आपको समझाने का जो ये तरीका है वो है डरन छू मुझे मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए तो एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था ये और एट द सेम टाइम सभी के साथ काम करके मैंने काफ़ी कुछ सीखा है लाइक मनोज जोशी सर हैं करण सर तो ऑब्वियसली आई वॉज प्लेइंग हिज सिस्टर सो देर वॉज लॉट्स इन बिट्स एंड पीसेज विच मैंने बहुत सारा स्क्रीन शेयर किया उनके साथ आशुतोष सर थे सानंद सर जो हैं वो भी उनको भी मैं बहुत एडमायर करती हूँ मेरे घर में उनकी काफ़ी शोज बहुत रिपीट टेलीकास्ट में देखे जाते हैं सो मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है एंड एट द सेम टाइम लर्निंग प्रोसेस भी है और इसी के साथ जो फिल्म का एक मैसेज जा रहा है ना वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे एज ग्रुप में या मेरे एज ग्रुप की लड़कियों के लिए इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज और जो कि मैंने खुद फिल्म करने के बाद सीखा भी है तो यस इट्स अ गुड एक्सपीरियंस फर्स्ट ऑफ ऑल गुड टू सी यू जो मैंने इसका ट्रेलर देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऑडियंस के लिए एक रेमेडी आ गई क्योंकि इन दिनों ओटीटी फिल्म अभी एकदम धार चल रही है और फिर उसमें कोई एक ऐसी फिल्म आई जितना हम कहीं ना कहीं थोड़ा रिलैक्स करते फर्स्ट ऑफ ऑल एज एन ऑडियंस में ट्रेलर पर रिव्यू दूंगा इट्स अ रेमेडी फॉर अस एज एन ऑडियंस एंड बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें की गई फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा किसी को हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है जिस तरीके से आप हंसा रहे हैं हमें बहुत अच्छा लग रहा है आप अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना सी किरदार बहुत सिंपल है एंड जैसा कि आपने कहा हंसाना बहुत मुश्किल है लेकिन तकलीफों में हंसना उससे मुश्किल है सो आई थिंक अगर हम मेहनत कर रहे हैं हंसाने की तो जो अपनी आज रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकलीफें झेलने के बाद भी हंस रहा है आई थिंक वो हमसे बड़ा कलाकार है वो हमसे बड़ी मेहनत कर रहा है अपने आप को खुश रखने की
एंड जहाँ किरदार का सवाल है, बहुत सिंपल सा कैरेक्टर है, कॉमेडी नहीं कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, उसके साथ लाइफ में जो हो रहा है वो उसके लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल है, पर जो उसके साथ हो रहा है उसकी वो हालत देखकर आपको हंसी आएगी एज एन ऑडियंस, लेकिन वो हालत उसकी नहीं है, वो आपकी भी है, लेकिन आप समझ नहीं पाए हो आज तक। तो शायद जब आप अपनी ही प्रॉब्लम को थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो समझोगे शायद कि मैं बेकार इतनी टेंशन ले रहा था यार, छोटी सी तो बात है, मेरे साथ भी तो यही हो रहा है ना यार, तो मैं भी यही कर सकता हूँ। वेरी सिंपल, द सोल्यूशन इज विद इन यू, लेकिन वो जो डर है ना वो हमें उस सोल्यूशन को प्रैक्टिस नहीं करने देता। सो बस हाँ, सी डरन छू जो है वो आपने कहा जैसे हॉरर की फील आती है बिकॉज डर से हम रिलेट करते हैं, बट डर सिर्फ भूतों का नहीं होता ना, डर तो आज लोगों को जिंदा इंसानों का ज़्यादा डर है भूतों से आज के दौर में, एंड डर डरन छू छू इज ऑल्सो अगेन यू से फैंटेसी वर्ल्ड, बच्चों को हम जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना कि देखो छू मंत्र हो जाएगा, डर छू मंत्र हो जाएगा, डर छू मंत्र, सो बेसिकली ये वही है कि अगर आप अपने अंदर के बच्चे को समझाओगे ना कि डर कुछ नहीं है, डर सिर्फ एक खौफ है आपके दिमाग में, वो छू हो सकता है जैसे हम बच्चे का दिल बहलाते हैं, तो बस वही करना है आपको, आपको अपने अपने आप को समझाना है कि डर और कुछ नहीं है बल्कि डर एक अपनी खुद की सोची हुई एक इमोशन है अपना खुद का जो छू हो सकता है, क्योंकि उसे पैदा आपने किया है, उसे ख़त्म भी आप ही कर सकते हो, और वहाँ कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके अंदर ही है, बस उसे ढूंढना ज़रूरी है। पाजी किरदार नहीं, सरदार जी बने हैं, पाजी मतलब पता है, और भी पाजी मतलब चालू इंसान भी होता ना, वो अलग पापा जी वाला पाजी, हाँ वही बोलो पापा जी बोलो, पाजी इंसान मतलब मिला यार। मुझे बहुत बहुत मजा आया इस कैरेक्टर करके, क्योंकि सरदार जी का इसमें एक्चुअली एक बात मैं इसमें रेफर करना चाहूँगा कि मैंने डरन छू की शूटिंग के पहले मधुर भंडारकर की एक फिल्म की थी जिसका नाम था बबली बाउंसर, और उसमें भी मैं सरदार बना, और उसमें मैं कुछ 42-43 इयर्स का सरदार बना हूँ, और इसमें मैं रिलेटिवली यंगर सरदार हूँ, 30ish टाइप, तो इमीडिएटली एक और पूरी तरह से कैरेक्टर अलग था, उस वो बहुत ही सीरियस रोल था जो मधुर जी वाली फिल्म थी, और इस फिल्म में एकदम बहुत ही जैसा मैं नेचुरली हूँ जो मैं करता हूँ उस टाइप का था, तो इसको करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और पूरा यानी करण के साथ ही उसका दोस्त है और बहुत बढ़िया ढंग से कहानी को आगे बढ़ाता है।